डॉग पालने के शौकीन हो एंड आपको ट्रैवल करते हुए डॉग को छोड़ने का मन नहीं करता है, दिल तो दुखता है यार। किसी से अगर हम ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे अकेला छोड़ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर आपको डॉग को ट्रैवल करना है किसी भी लोकेशन के लिए, सबसे बेस्ट एंड सेफेस्ट होता है वो होता है ट्रेन। एंड ट्रेन के माध्यम से आपको ये तो समझ आएगी होगी ये वीडियो किसके बारे में, क्योंकि थंबनेल एंड टाइटल आपको पहले इसके बारे में बता चुका होगा। बट यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी लोगों ने नहीं बताई है और जो मैं आप उसकी वीडियो में शेयर करूँगा एंड पूरे डिटेल में बात करूँगा, मतलब एक टिकट बुकिंग से लेके आपके डेस्टिनेशन तक जाने तक का मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, बिना कोई चीज़ स्किप कीजिए, समझ लीजिए बात को। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मन बना लिया है कि भाई मेरे को कहीं जाना है एंड मैं अपने डॉग को लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है या आपको ये देखने के लिए आपका जो डॉग है क्या वो हेल्थ है कि नहीं, मतलब हेल्दी है कि नहीं। तो आप कोई भी नियर वे वेस्ट में जाके आपके जिस दिन जाना होता है ना उससे 24 घंटे पहले जाके, वैसे तो अगर आप जाते ही होंगे मुझे पता है, बट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉग के इस केस में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट बुक करना है एंड टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है आपका जो एसी जो होना चाहिए वो बहुत बड़े वाले एसी में होना चाहिए, यानी आप 2 AC 3 AC में नहीं जा सकते हो। जैसे जैसे कूप कहते हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या होता है ना, आपका अलग से दरवाज़ा बंद हो जाता है। दैन दरवाजे बंद के अंदर क्या होता है, 4 सीट होते हैं, 1-2 सीट होते हैं, एक कपल्स के लिए होता है और एक फैमिली के लिए होता है। बट उस केस में होता है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है, ये बात आपको समझना ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट एसी के चेयर के ऊपर भी कहा जाता है, लाइक ये फर्स्ट एसी भी नहीं कहा जाता, फर्स्ट एसी के ऊपर ये आता है। इसमें होता क्या समझ लीजिए, ये ओपन नहीं रहता यूजुअली। अगर आप जब भी ट्रेन में जाओगे तो यूजुअली क्या होता है ना, पूरा ओपन रहता है, बट ये ओपन नहीं होता, ये दरवाज़ा बंद रहता है। एंड आपको पर्सनलाइज्ड एक कैबिन मिला जाता है जिसमें आप 2 लोग भी बैठ सकते हैं। अगर आप 2 लोगों का बुकिंग कर रहे हैं, अगर आप 4 लोग का बुकिंग कर रहे हैं तो 4 लोग बैठ सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पर्सनलाइज कैबिन है, यानी दरवाजा बंद हो जाता है, आपका खुद का पर्सनल एक रूम मिलता है एंड उसका कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है। तो एक चीज़ तो समझ लीजिए, अगर आप डॉग लेके जा रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि काफ़ी ज़्यादा पैसा है। बट देखिए देखो, ट्रैवलिंग में वो कुछ बुक करने के लिए तो पैसा आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपने ये बुकिंग कर दिया है तो ये जो कुप होता है वो ऑन द स्पॉट अलॉट नहीं होता है वाइल बुकिंग, तो आपको पहले जाके ये कंफर्म देना है कि मुझे वो कुप चाहिए। एंड वो 24 घंटे के बाद, यानी 4 घंटे के बाद जब आपका जो ट्रेन जाना होता है, यानी चार्ट बनता है, तब आपको वो कुप जो होता है वो अलॉटेड होता है। कुप अलॉट हो जाता है 4 घंटे, यानी चार्ट जैसे बनता है उसे 4 घंटे पहले आपको वो कुप अलॉट हो जाता है। एंड आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको सबसे पहले पहुंचना है अपने नियर बाय, जो भी अपने मतलब नियर बाय नहीं होता है, जो भी नियर बाय आपके वेस्ट है वहाँ पे जाके पहले तो हेल्थ रिपोर्ट ले लीजिए, 24 घंटे पहले लेना याद रखिएगा, यानी कि जिसमें वहाँ पे डॉग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन या कैट जो भी आप लेके जाना चाहते हो, मैं मतलब बड़ा बड़ा मत लेके चले जाना, मतलब डॉग इन सब की बात करें एंड छोटा क्यूट लिटिल भी जाएगा तो थोड़ा सेफ रहेगा। बट एक और चीज़ है, अभी आगे मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ तो प्लीज़ एंड तक देखना है। तो आपको नियर बाय कोई भी पार्सल वाले में नहीं जाना है, आपको पहले वेस्ट में जाना है, याद रखिएगा नियर बाय पार्सल होता ही नहीं है। वेस्ट में जाके आप पहले हेल्थ रिपोर्ट ले लीजिए, हेल्थ रिपोर्ट लेने के बाद आपका जो कूप का जो आपको मिला होगा रिजर्वेशन सेंटर से, जो भी आपको वो स्लिप कहते हैं या काउंटर टिकट कहते हैं, जो भी टिकट आपको मिला होगा उसका प्रिंट आउट ले लीजिए एंड आप अपने नेक इरादे लेके जाइएगा पार्सल में। अब पार्सल कहाँ होगा, जो भी आप रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन डिपार्च करने वाले हो वहीं पर आपको पार्सल काउंटर भी मिलता देखने के लिए। पार्सल काउंटर वो होता है बैक साइड में होता है, या आप किसी से पूछ लीजिए कहाँ पर पार्सल सेंटर है या पार्सल का जो काउंटर है वो कहाँ होता है, तो जहाँ पर बाइक वाइक भी जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जाते हैं, आपको वहीं पर जाना है, ये बात समझ लीजिए। आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म बहुत इजी से भरा जा सकता है, कोई इतना बड़ा फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है, भर दीजिए। भरने के बाद आपको वहाँ पर एक पेमेंट करना पड़ता है एंड ये पेमेंट आपके डॉग के वेट के हिसाब से किया जाता है। एंड पेमेंट करने के बाद सारा सॉर्ट आउट होने के बाद आपको क्लियरेंस मिल जाता है कि आप डॉग लेके जा सकते हो। बट लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था ना, नहीं। अब मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि देखिए डॉग लेके जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप थ्रू आउट जर्नी में डॉग को आप फीड भी कर रहे हो तो आपको सोच समझ के फीड करना है। एंड डॉग जब जर्नी में होता है ना तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा ना चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसको, तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले आपको खुद का डॉग के लिए खाना पानी आपको खुद ही अरेंज करना है एंड हर कूप में यानी हर गोच में एक अलग से लगेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बट वो एक ही रहता है। अगर बाई चांस आप जिस टाइम में जर्न कर रहे हो और दो लोग जा रहे हैं या 3 लोग डॉग को लेके जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बट इनके समझ लीजिए सिचुएशन है, अगर ऐसा आ गया तो आपको वो बॉक्स नहीं मिलने वाला, तो बेटर कि आप अपना खुद से भी एक सेफ साइड लेके जाओ, वो सेफ रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉग का आपने खाना ले लिया, पानी ले लिया, आपने चेन भी लेना है। देखो चेन लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेके जा रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना,
हमें भी नहीं पता होता वो चिड़चिड़ापन या देखो सुई भी आप दिला के रख रहे हो वो ठीक है वैक्सीनेटेड है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी हालत ख़राब हो जाते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे जैसे स्टेशन पर लॉन्ग आपको देखोगे ना तो हॉल्ट होता है 5-10 मिनट का, तो उस टाइम पे आप ना वो डॉग को ना लेके निकल सकते हो बाहर घुमाने के लिए, बट देख के रखिए ट्रेन कब ना छूट जाए। अब पता चला ट्रेन छूट रही हो और आप कुत्ते को लेकर दौड़ रहे हो तो वो भी गलत है। तो अगर आप जैसे ही देख रहे हो कि थोड़ा हॉल्ट है 10 मिनट का है 15 मिनट का है तो बाहर लेके निकल दीजिए, उससे चिड़चिड़ापन कुत्ते को नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें बताई ये तो बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके होंगे, बट देखिए डॉग लेके जाने के लिए मैं भी आपका समझ रहा हूँ, आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ कि भाई वो लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, बट मैंने जैसे बोला बहुत अच्छे से प्लान करके लेके जाइएगा। जैसे मैंने शेयर किया आपको कि सबसे पहले आपको कूप बुक करना है, यहाँ पर सेकेंड एसी 3 AC वो काम नहीं करता है। कूप का मतलब होता है पर्सनलाइज कैबिन आपको दिया जाता है, 2 लोगों के लिए बुक किया जा सकता है, 4 लोगों के लिए भी बुक किया जाता है। और एक और चीज़, राजधानी और शताब्दी में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप एक बार चीज़ समझ लीजिएगा, ये ऑप्शन किसी किसी ट्रेन में अवेलेबल रहते हैं तो वो भी आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है देखिए प्रायर नोटिस मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ है 139 कॉल करके भी आप पता लगा सकते हो, नहीं तो नियर बाय रिजर्वेशन सेंटर में भी जाके आप पता लगा सकते हो। बट याद रखिएगा आपको लगेज सेंटर से जाके ही आपको हर चीज़ सॉर्ट आउट होगा, एंड आराम से जर्नी कीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बहुत ही आराम से लेके जाते हैं लोग, काफ़ी लेके गए हैं इनफैक्ट, आप आराम से लेके जाइए। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है ना कोई भी चीज़ को लेकर तो कमेंट कीजिए, एंड इनकेस आपको लगता है कि नहीं मेरे को इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, वहाँ पर हम इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। एंड ये अपने वीडियो जो है आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लेके जाना चाहते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।